दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube के इस वीडियो में। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि आप बोर्ड कनेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स ने ये वीडियो बनाया हुआ है कि बोर्ड कनेक्शन किस प्रकार से, लेकिन ये नहीं बताया है कि कोई भी आपको बोर्ड दे दिया जाए तो उसका कनेक्शन आप किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊँगा कि आप जो बोर्ड का कनेक्शन किस प्रकार से ईजिली कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने बोर्ड कनेक्शन के कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उन्हें देखते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट रूल कहता है किसी लोड या उपकरण है, ठीक है, उसको फेज एवं न्यूट्रल दोनों प्रकार की आप सप्लाई देंगे। दूसरा कहता है जितने भी आपने स्विच यूज किए हुए हैं उनके निचले हिस्से को फेज से कनेक्ट करेंगे। और तीसरा कहता है जो आपका स्विच है, ठीक है, स्विच को ऊपर वाले हिस्से को लोड से कनेक्ट करेंगे। जो स्विच का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है, उसे आपको लोड से कनेक्ट करना है। ठीक है, अब इन तीनों रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे और बोर्ड कनेक्शन करेंगे, चाहे आपको कोई भी बोर्ड दे दिया जाए। यहाँ देखें दोस्तों, ये हम लोग का पोल है, पीसीसी पोल, जहाँ से हम लोग का फेज न्यूट्रल आया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का एक लैंप है, ये हम लोग का फैन है, ये हम लोग का लैंप है, ये हम लोग का 5-पिन सॉकेट है, ये हम लोग का 5-पिन सॉकेट है, ये पांचों हम लोग के लोड्स हैं। क्योंकि आप सॉकेट्स के भी आप पंखा यूज करते हो, बैटरी चार्ज करते हो, कई प्रकार के यूजेस करते हो, तो ये भी अपना एक प्रकार का लोड हो गया। और वन वे स्विच 3 यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आप इसका किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो आप यहाँ से न्यूट्रल लेंगे, ठीक है, न्यूट्रल यहाँ से लेंगे और फर्स्ट जो अपना 5-पिन सॉकेट है उसके एक टर्मिनल में देंगे। देने के पश्चात आप जो हम लोग का जो सेकेंड जो 5-पिन सॉकेट है, ठीक है, उसमें दे देंगे। उसको देने के बाद, ठीक है, आप यहां से क्या करेंगे, लैंप को न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, अब यहां से आप जो अपना सेकेंड लैंप है, ठीक है, सेकेंड लैंप या फैन को भी आप देख सकते हैं, फैन को दे देंगे न्यूट्रल। और यहाँ से दोस्तों, ठीक है, यहाँ से आप न्यूट्रल दे सकते हो, लेकिन यहाँ से भी आप देख सकते हो, जहाँ से आप चाहो दे सकते हो न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल देने के पश्चात अब हम लोग का है फेस। फेस को कहाँ देना है, नियम कहता है कि आपके जो स्विच है उसके निचले हिस्से में दो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, फेस को आप स्विच के निचले हिस्से में दोगे। तीनों स्विच में हम लोग जो वन वे स्विच है, तीनों स्विच में दे दिया। ठीक है, इस प्रकार जो हम लोग का तीसरा कहता है स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को लोड में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये अपना ऊपर वाला टर्मिनल है, तो इसे आप इस लोड में कनेक्ट करेंगे, इसको आप इस लोड में कनेक्ट करेंगे, और इसे आप जो ये हम लोग का सेकेंड लैंप है उसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो हम लोग का जो सर्किट है, ठीक है, जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों क्या होगा, अपना जो सॉकेट है दो 5-पिन सॉकेट्स, इसमें हम लोगों ने फेज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप फेज दे देंगे, यहाँ से आप फेज दे देंगे। ठीक है, ये हम लोग के जो 5-पिन सॉकेट है उसमें भी हम लोगों ने फेज दे दिया। अब क्या होगा, यहाँ से आप ऑन करोगे तो अपना ये लैंप जलेगा, यहाँ से ऑन करोगे तो ये फैन जलेगा, यहाँ से ऑन करोगे तो ये अपना लैंप जलेगा। ठीक है, और यहाँ ऑन करोगे ना दोस्तों तो ये अपना सॉकेट स्टार्ट होगा, यहाँ से आप ऑन करोगे तो ये अपना सॉकेट स्टार्ट होगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इजीली समझ आया होगा। किसी भी बोर्ड में इन रूल्स को आप फॉलो करोगे तो कोई भी बोर्ड का जो कनेक्शन है आप इजीली कर सकते हो। दोस्तों अब हम देखते हैं कि एक बोर्ड है जिसमें मैं आपको बताऊँ, तो ये बोर्ड में देखें, ये अपना एक लोड है जहाँ पर अपना लैंप लगेगा। ठीक है, ये अपना एक लोड है जहाँ पर आप बैटरी चार्जिंग किसी प्रकार से जो आपका यूज है वो कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो ये अपना सेकेंड हो जाएगा लोड, ये अपना हो जाएगा थर्ड लोड। ठीक है, तो इन लोड्स में हमको फेस और न्यूट्रल्स देने हैं, और ये जो अपना स्विच है, ठीक है, इसमें आपको ओनली फेस देना है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इसको हम देखते हैं, निकाल के पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ और इसे उल्टा रखता हूँ ताकि मैं इसके जो सर्किट है उसको आपको समझा सकूँ। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये अपनाया हुआ है दो टर्मिनल्स,
यह अपना न्यूट्रल, यह अपना फेज। तो मैंने कैसे कहा दोस्तों कि कौन फेज है और कौन न्यूट्रल? तो देखें, जो न्यूट्रल है ये हम लोग का पहला लोड है जहाँ पर लैंप लगेगा, मैंने बताया है, और ये अपना 5-pin सॉकेट में आया है, और यहाँ से ये होते हुए ये हमारे दूसरे 5-pin सॉकेट में आया है। इस प्रकार न्यूट्रल का जो सर्किट है वो क्लोज होता है, ठीक है। यहाँ से अपना न्यूट्रल का सर्किट क्लोज हुआ। अब ये है अपना फेज। जो फेज है सबसे फर्स्ट आया है, जो सेकेंड टर्मिनल है स्विच का उसमें आया है, फिर दूसरे स्विच में गया है, उसके बाद हम लोग का तीसरा जो स्विच है उसमें गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग का नियम कहता है कि जो हम लोग के जो लोड हैं उन पे हम लोग को फेज भी देना है, न्यूट्रल भी देना है। तो हम लोगों ने न्यूट्रल दे दिया है, इसमें देखें यहाँ से हम लोगों ने न्यूट्रल दिया है। अब फेज की बारी है, तो फेज कैसे देंगे? यहाँ से दिया गया है फेज, ठीक है। फेज देने के पश्चात यहाँ से दिया गया है फेज और एक यहाँ से दिया गया है फेज। तो दोस्तों फेज इसलिए दिया गया है क्योंकि जब आप इसको बंद करोगे, ठीक है, या चालू करोगे तो ये ऑन ऑफ होगा, इसको ऑन ऑफ करोगे तो ये ऑन ऑफ होगा, और जैसे इसको ऑन ऑफ करोगे इस स्विच को तो अपना जो होल्डर है, जो लैंप है, वो ऑन ऑफ होगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको इजीली समझ आया होगा, तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।